वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. आज की क्लासेस में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और उस क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, ये एक बाद की बात है. सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन क्यों है, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि डिस्पर्जन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्पर्जन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो आइए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि डिस्पर्जन क्या है. तो थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोडक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जो कि आपको मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में हर एक बात बताई हुई है. लेकिन चलिए, बहुत बच्चे फ्रेश हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको समझना होगा मीन के कॉन्सेप्ट को, कि मीन क्या होता है. मीन जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कुछ नहीं, एक अगर आप साधारण सी भाषा में बोलें तो इसको हम कहते हैं एवरेज. अब एवरेज क्या है और एवरेज क्यों है, पहले इसको समझ लीजिए आप. बच्चे इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे एक्सप्रेस करना है न्यूमेरिकली, वो मेरे लिए बहुत ईजी है. कैसे? अगर आप मुझसे पूछते हो सर आपकी एज क्या है, मैं बहुत ईजिली बता सकता हूं. आप पूछते हो सर आपका वेट क्या है, मैं बहुत ईजिली बता सकता हूं. आप पूछते हो सर आपकी इनकम क्या है, मैं बहुत ईजिली बता सकता हूं. आप पूछते हो सर आपकी हाइट क्या है, मैं बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर सकता हूं. तो इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेता हूं तो आप भी इजिली एक्सप्रेस करेंगे. मेरे लिए समझना भी बड़ा आसान है, इसी तरीके से आपके लिए भी समझना बड़ा आसान है. तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है. समस्या कब आती है, जब आप एक ग्रुप से रिलेटेड न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर हमारे देश भारत की जो एवरेज एज है वो क्या है. अब 140 करोड़ की आबादी में ना जाने कितनी मृत्यु रोज होती है. अब उन सबका एज आपको बताना वो बड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, समझना भी, और मेरे लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा इतने बड़े डेटा को आपको बता करके एक्सप्रेस करना. तो अब क्या करें, ग्रुप को कैसे बताया जाए या ग्रुप को कैसे समझा जाए, एक समस्या आ गया. तो इस समस्या का समाधान यह है कि आप उस ग्रुप में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन आपको देना है, उस डेटा को आप इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए. मेरा कहने का मतलब है उस डेटा का आप सम कर लो. और जब डेटा का आपने सम करा और जितने लोगों से वो डेटा सम करा, जितने भी ऑब्जर्वेशन से डेटा आपने सम करा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड कर दो, तो वो जो डेटा का सम है वो जितने भी ऑब्जर्वेशन है जिनके पास वो डेटा है उन सब में वो डेटा आप क्या करो, इक्वल 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 सब में बांट दो. तो सब में जब इक्वल इक्वल शेयरिंग होगा तो जो एज के शेयरिंग में आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए बच्चे मैं यहां पर बात करता हूं एज की. तो एज है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 5 बच्चे हैं जो अपने नजर आ रहा है. अब सबके बारे में बताना कि भैया एक 5 साल का है, एक 7 साल का है, 10 साल का, 15 साल का, 16 साल, थोड़ा लेंथी हो जाता है. तो मैं एक काम करता हूँ, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको हम इकट्ठा कलेक्ट सम करने को कहते हैं सिग्मा, सिग्मा एक्स. तो सॉल्व करेंगे 5 7 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23 का 3, और यहां पर कैरी करेंगे 2 3 4 5, 53 आ गया सम. और 53 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 ऑब्जर्वेशन में, कि सब पे अगर इक्वल इक्वल बांटेंगे तो सब कितने कितने बटेंगे. तो आपके पास में 10.6 आ गया. इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम मीन बोलेंगे. तो आपको ये पहले बात समझ में आया आपको कि मीन क्या होता है और मीन किस तरीके से निकालते हैं. तो मीन बेसिकली डेटा का सम करके जितने भी डेटा, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे डिवाइड कर देते हैं, उसे मीन आ जाता है. कैसे निकालते हैं मीन, ये ऑलरेडी मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी की वीडियो देखिएगा आप, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक पार्ट को बड़े डिटेल में बता रखा है, वो तो आपको उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी. आज डिस्पर्जन से रिलेटेड टॉपिक ही मैं बात करूंगा, जितने में आपको डिस्पर्जन समझ में आए उतना ही मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा. तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चे, ये आपके पास में आ गया मीन. मीन आपको समझ में आ गया. अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया मेरे पास में, मेरे घर में 5 बच्चे हैं. पहले बोलता था मेरे घर में 5 बच्चे हैं, एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 10 साल, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 15 साल, एक की उम्र 16 साल. सुनने वाला भी चलो ठीक है भाई, चलते कोई इंसान सुनने के लिए बैठा है. लेकिन अब मेरे लिए आसान हो गया, कोई मुझसे पूछता है भाई आपके घर में बच्चे कितने बड़े हैं, मैं बोल सकता हूँ कि भैया 10.6 ईयर्स एवरेज एज है. उसको एक आइडिया लग जाएगा, उसको कोई लैब में ले जाकर कुछ करना थोड़ी है, एक रुझान ही तो चाहिए. तो 10.6 ईयर्स, लगभग लगभग 10.5 साल के बच्चे मेरे घर में है और एवरेज एवरेज है. तो समझ जाएगा बच्चे कितने यंग है, उसको उससे आइडिया लग गया, बस बात खत्म, वो यही जानना चाह रहा था. तो मैं क्यों एक एक के बारे में बताऊं, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं एवरेज ही एक्सप्रेस कर सकता हूं. तो पहले आपको एवरेज समझ में आया, एवरेज क्या होता है. अब आपको
कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि कहता है ठीक है सर, एवरेज की इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गई है कि 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल और 16 साल, ठीक है सर, हमें जो है एवरेज की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं जोड़ नहीं सकता, मैं भाग नहीं कर सकता, और मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि कोई मुझसे पूछता है कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी एज क्या, तो मैं सारे बताने पड़ते हैं, पर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो क्या करते हैं, वो एवरेज एज बता देते हैं, तो वो जल्दी फ्री हो जाते हैं, हम लोग फंसे रह जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्लस और डिवाइड नहीं कर सकता है, तो मैं कहता हूं आपके लिए ये उपाय है कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, आपको अपने ग्रुप बताना है ना, तो आप इजिली बता सकते हो कि अपने डेटा को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया यहां पर, उसका बीच वाला पकड़ लो, और आपका यही आप बता दिया करो कि भैया मेरे घर में बच्चे लगभग 10 साल के आसपास है, तो पूछेगा कि सर क्या एवरेज है, एवरेज नहीं है भैया, एवरेज तो 10.6 है, तो ये क्या है, ये मीन है क्या, मीन नहीं है भैया, इसको हम बोलते हैं मीडियन, तो मीन और मीडियन एक ही चीज होती है, बात समझे, मीन और मीडियन क्या है, एक ही चीज है, बस मीन को कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, मीडियन को कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, वो तरीका क्या है, उसके लिए आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर मीन प्रॉपर मीडियन उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया हुआ है, पर आज की क्लासेस में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही पर्पस में यूज में आता है कि हम ग्रुप को कैसे इजिली एक्सप्रेस कर सके, किसी ग्रुप की इंफॉर्मेशन को कैसे हम अडॉप्ट कर पाए, और मीन भी वही काम करता है, मीडियन भी वही काम करता है, बस उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। अब सवाल यह है कि क्या मीन के ऊपर ट्रस्ट कर लेना सही है, क्या जो मीन होता है एक्चुअल डेटा भी उसी के आसपास होता है, क्योंकि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि आपके एरिया में कुछ एक बहुत शानदार उदाहरण है, उसको जरा समझिएगा आप, मान लीजिए कोई एक फॉरेन कंट्रीज में रहता है, मान लीजिए यूएसए में रहता है, और वो चाहता है कि दिल्ली के किसी एक जगह पर या फिर दिल्ली में वो एक या किसी पर्टिकुलर सिटी में वो एक बहुत बड़ा ब्रांडेड शोरूम स्टार्ट करे, लेकिन उसके जो प्राइजेस हैं, जो कॉमोडिटीज हैं उस शोरूम के, वो 15-16,000 रुपीज, 10,000 के आसपास से वो स्टार्ट ही है, काफी एक्सपेंसिव है, तो लगता है कि भैया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो चीजें को डिमांड होगी तो बिकेंगी, तो उसने ऐसा माइंड बनाया कि यहां पर मुझे अपना शोरूम स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने से पहले एक सर्वे हो जाए कि चीजें चलेंगी भी नहीं चलेंगी, तो सर्वे किससे रिलेटेड होगा, सर्वे इस चीज से रिलेटेड हो सकता है कि लोगों के इनकम का लेवल क्या है, क्योंकि जो हम ब्रांडेड चीजें वहां पर बेचेंगे उसको लोग अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अब वहां पर तो रहते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर तो 1 लाख लोग रहते हैं उस सिटी में, अब 1 लाख लोगों के इनकम के बारे में आप सर्वे करते हैं और उस सर्वे को क्या ऐसे कंक्लूड करेंगे, सर इसकी इनकम इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, तो कैसे आप कंक्लूजन में पहुंचेंगे, पहुंच ही नहीं सकते आप, तो आप क्या करेंगे, उन 1 लाख लोगों के इनकम का सम कर करके 1 लाख से डिवाइड करेंगे, एक एवरेज इनकम आ जाएगी, और एवरेज इनकम आ गई वहां की 50,000 रुपए पर मंथ, मतलब कि लोग 50,000 रुपए के आसपास है कमाने वाले, तो ठीक है भैया मेरा शोरूम यहां पर स्टार्ट हो सकता है, चल सकता है, लोगों की आमदनी जो है 50,000 रुपए के आसपास है और शोरूम को स्टार्ट कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया, अब जब शोरूम को स्टैब्लिश कर दिया तो बाद में पता लग रहा है कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है, कारण क्या था, क्योंकि लोगों की वो इनकम ही नहीं है, लोगों की इनकम तो 15, 14 और 12 हजार रुपए है, अब आप बोलोगे जब लोगों की इनकम 12, 14, 15 हजार है तो 50,000 कैसे एवरेज आ गया, क्योंकि उन लोगों में एक अपने मुकेश अंबानी जी का भी घर था वहां पर एक जगह पर, और अपने अंबानी जी को भी कंसीडर कर लिया, उनकी इनकम का लेवल इतना ज्यादा है कि ऑल आपका जो मीन है वो बहुत बड़ा आ गया, टोटल करा तो बहुत बड़ा सम आ गया, डिवाइड करा तो सबको इक्वल इक्वल ज्यादा ज्यादा हो गया, और आप एवरेज जो है आपने 50,000 समझ लिया और आपने एक डिसीजन ले लिया और आपको बहुत बेहतरीन नुकसान हुआ, तो मेरा कहने का मतलब है कई बार मीन मिसगाइड कर सकता है, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर डेटा जब बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है तो वो सबको इन्फ्लुएंस कर देता है, वो सबको इफेक्ट डालता है, हाँ अगर आप अपने क्लासरूम की एवरेज एज निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स है वो लगभग लगभग सब एक ही एज के आसपास है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के आसपास है,
तो आपकी क्लास का जो एवरेज एज आएगा और जो आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं जो उनकी एक्चुअल एज है वो लगभग लगभग उसके आसपास ही होगी, तो वो एवरेज एज को कंसिडर कर लेने से किसी भी तरीके से आप मिसगाइड नहीं होंगे, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन जब डेटा सारे आसपास ना होकर करके एक डेटा बहुत बड़ा हो जाए या डेटा बहुत छोटा हो जाए तो जो एवरेज है वो एक्चुअल डेटा से बहुत डिफर होगा, और उस एवरेज से अगर आप कोई कंक्लूजन कोई डिसीजन लेते हैं तो वहां पर आप धोखा खा जाएंगे। तो अब आज से आपको एक बात पता लगी क्या, कि आप एवरेज और मीन पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर, ट्रस्ट करना चाहिए बट ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते आप कि भैया एवरेज ये चलो ठीक है भैया डिसीजन ले लो, नहीं कर सकते आप, क्योंकि एवरेज आपको मिसगाइड भी कर सकता है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता लगे कि जो ये एवरेज है ये भरोसे लायक है या भरोसे लायक नहीं है, ये ज्यादा रिलायबल है या रिलायबल नहीं है, ये कैसे पता लगेगा हमें? तो हम एक काम करते हैं, एक आसान सा काम कर लेते हैं। पहले आपको मीन और मीडियन तो सेम पर्पज में यूज में आता, पता लग गया आपको, तो जो आप मैं एवरेज की बात कर रहा हूं उसको आप जो है मीन प्रोसेस के थ्रू भी निकाल सकते हैं और आप मीडियन प्रोसेस के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और दोनों आपके ऊपर चॉइस है, दोनों एक उन्होंने एवरेज ही बताता है। अब सवाल यह है कि हम किस तरीके से ये पता लगाएं कि जो एवरेज है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, एवरेज क्या है, मेरे पास 10.6 आया, तो मैं क्या करता हूं डेटा में से एवरेज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, डेटा में से एवरेज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा बच्चे मैं इसलिए कर रहा हूं अगर मैं फ्रॉम मीन, देखिएगा मेरा एवरेज क्या 10.6 है, मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा डेटा एवरेज से कितने डिस्टेंस पर है, ये कितने डिस्टेंस पर है, 5 है और ये 5.6 के डिस्टेंस पर है, ये कितने डिस्टेंस पर है, ये 3.6 के डिस्टेंस पर है, पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये कितने पर है, ये 0.6 के डिस्टेंस पर है और ये कितने डिस्टेंस पे है, 4.4 ये 4.4 डिस्टेंस पर है और ये कितने डिस्टेंस पर है, आपके पास है 4 और 5, 5.4 ये डिस्टेंस है। ये क्या है, ये सारे के सारे चीजें क्या है, ये है कि मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से कितनी दूरी पर है, मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से कितनी दूरी पर है। तो वो डिस्टेंस क्या आया, एक तो 5.6 आया, एक 3.6 आया, एक 0.6 आया, एक 4.4 आया, एक 5.4 आया। आइए ये क्या है बेसिकली डेविएशन, इसको डेविएशन बोलते हैं कि मेरा एक्चुअल डेटा मेरे मीन से कितने डिस्टेंस पर है, और ये डेविएशन मैं इसको मॉडुलस के अंदर रखता हूं क्योंकि मैंने पॉजिटिव लिया है, 5 में से माइनस करा, 10 में से माइनस करा, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर मैंने सबको पॉजिटिव कंसीडर करा, इसलिए मॉडल लगा दिया मैंने। जोड़ते हैं 6 6 12 12 18 18 4 22 और 4 26 दो 5 2 7 7 3 10 10 और 4 14 और 5 19 कितना है 19.6 टोटल डिस्टेंस इकट्ठा हुआ और पांच लोगों का, तो एवरेज डिस्टेंस कितना हुआ, एवरेज डिस्टेंस हुआ मेरे पास में 5 3 15 4 5 9 45 and 5 2 10 तो एवरेज डिस्टेंस कितना आया मेरा। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा मीन कितना है, मेरा मीन है, मीन मेरा कितना है 10.6 और एक मीन से एक्चुअल डेटा कितनी दूरी को एवरेज जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को भी मैंने क्या करा, एक एवरेज डिस्टेंस निकाल लिया कि औसतन मेरे एक्चुअल डेटा मेरे मीन से क्या दूरी को बनाए हुए हैं, तो वो है 3.92। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जो मैं एवरेज कंसीडर कर रहा हूं 10.6, तो एक्चुअल डेटा इससे 3.92 ज्यादा भी हो सकता है और 3 मतलब कि लगभग लगभग आप पॉइंट मिले तो 4 तो 14 भी हो सकता है और 4 कम तो 6 भी हो सकता है और इसी रेंज में रहेगा, 4 इससे ज्यादा कम आसपास। तो जितना छोटा आएगा ना ये रिजल्ट, मतलब कि एक्चुअल डेटा मीन के उतने क्लोज है, मीन उतना ही ऑथेंटिक है, और जितना बड़ा डिस्टेंस आएगा इसका मतलब है कि एक्चुअल डेटा मीन से उतनी दूरी पर है, मीन उतना ही कम रिलायबल है। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, जो आपने ये निकाला ना 3.2, ये क्या है, ये है एवरेज, और ये क्या है, एवरेज और एक्चुअल डेटा के बीच के डिस्टेंस का एवरेज, समझिए क्या है एवरेज डेटा का, एक्चुअल डेटा का एवरेज, ये क्या है एक्चुअल डेटा का एवरेज और एक्चुअल डेटा के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डेविएशन है, उस डेविएशन का एवरेज, ये है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं इसी को, हम मीन डेविएशन।
और इसी को हम ऑल ओवर क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब यही होता है, फैलाव, विस्तार। तो यही टॉपिक आज की क्लास का है, डिस्पर्जन का, फैलाव, कि एक्चुअल डेटा का फैलाव कितना है। क्लियर है बच्चे? विस्तार। तो ये मीन डेविशन हो गया, बट आपने डेविशन कहां से कंपेयर करा? मीन से कंपेयर करा आपने, है ना? तो मीन डेविशन इसको बोलते हैं फ्रॉम मीन। लेकिन आप इस डिफरेंसेस को आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे बच्चे, ये ना आपके पास में 5, 7, 10, 15 और 16, और आपका इसका जो है आप एज अ मीडियन आप कंसीडर कर ले 10, तो डिस्टेंस देखेंगे तो 5, डिस्टेंस देखेंगे तो 3, डिस्टेंस देखेंगे तो 0, डिस्टेंस देखेंगे तो 5, और डिस्टेंस देखेंगे तो 6। तो डिस्टेंस कितना है? 5, 3, 8, 8 और 5, 13, 13 और 6, 19, 19 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करेंगे 9, ओ सॉरी 19 डिवाइडेड बाय 5, 3.8। तो यहां पर आपके पास में जो आपका मीडियन है और जो एक्चुअल डेटा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का एवरेज क्या आया, इसी को भी, इसको भी हम बोलेंगे मीन डेविएशन, इसको भी हम बोलेंगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। लेकिन ये क्या है, ये कहां से लिया है? फ्रॉम मीडियन। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी आता है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी आप ले सकते हो। लेकिन आप इस बात को भी आपको समझना होगा बच्चे, क्या ये बात पहले आपको समझ में आई? पहले बताएं हाँ और ना करके बताएंगे जरा। तो पहले समझिए बच्चे, समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन होंगे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता आपके सब्जेक्ट्स का, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं। आप तो खैर अभी लाइव तो कम बच्चे हैं, लेकिन कोर्स तो बहुत ज्यादा बच्चों ने लिया हुआ है। तो सबसे कह रहा हूं, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में कंफर्ट है और इंग्लिश इनकी अच्छी है? आपको पता है ये बिजनेस स्टैट्स जो है इसका एक गवर्नमेंट जॉब में एक पेपर आता है अलग से, 100 नंबर का बिजनेस स्टैट्स का। उसको क्वालिफाई अगर आप करते हो तो आपको स्टैटिकल डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगती है। अब तो गवर्नमेंट जॉब में जो सीजीएल के जितने भी जॉब जॉब होती है, अब गवर्नमेंट जॉब में क्या जॉब हो सकती है? आप सीए के बारे में प्लान करते हो, बहुत अच्छी जॉब है सीए, बहुत अच्छा कोर्स भी है, प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप डबल ए के बारे में क्यों नहीं सोचते, अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर? सीए से 10% 20% मेहनत करोगे सीए के कंपेटिवली, और आप अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर गवर्नमेंट सेक्टर में बन सकते हो, जिसके अंदर ना जाने कितने सीए होते हैं। सीए से बहुत बड़ी पोस्ट होती है अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर की, और आपको आपका सिर्फ इंग्लिश उसमें बेटर होना चाहिए और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर आप अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर की जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, अब एज अ अकाउंटेंट, एज अ सीए, अगर सीए का ड्रीम है और फुलफिल नहीं हो पाया, या फिर सीए से भी कुछ बड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो डबल ए ओ गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाइए। रजिस्टर्ड ऑफिसर की रैंक है, 80,000 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी, फर्स्ट मंथ की सैलरी। अगर आपको, चलो इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ और जॉब अगर आप चाहते हो, मैं बता रहा हूँ इसमें इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो इन जॉब्स को इजिली कैच कर सकता है। और कोई दूसरी जॉब की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अगर आपको विदेशों में अमेरिका वगैरह में हर जगह घूमना है, तो आप एम्बेसी के अंदर एज एम्बेसडर के लिए आप जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सीजीएल के अंदर, वहां भी आपके इंग्लिश का बोलबाला है। और इंग्लिश ऐसे नहीं, वो कोई हाई फाई चीज, जो नॉर्मली आप रीड करते हो, नॉर्मल मूवी देखते हो, उसी टाइप की इंग्लिश होती है, उसमें बस आपको मार्क करना, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आप तो। अब पूछा इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम कब है, तो बच्चे सब्जेक्ट्स का एग्जाम पहले आपको इसके लिए लगभग लगभग आप जो है 6 मंथ की प्रिपरेशन कर लीजिए अपना, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आता है, और नेक्स्ट ईयर इसके फॉर्म निकलेंगे, वो फॉर्म निकालती है इसके एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीजीएल के नाम से इसकी वैकेंसी निकलती है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, स्टैटिकल डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑफ इनकम टैक्स, आपका सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सारी की सारी पोस्ट कहाँ रहती है? एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सारे जीएसटी, अब तो इनकम इंस्पेक्टर को जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये सारी जॉब कहाँ होती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर? वो इसी के अंदर होती है। और इसमें जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो 6 महीने में जॉब ले सकता है। लेकिन आप लोगों की स्ट्रेंथ है, बट आप लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और आप लोग इसमें नहीं जाते हो। जहां आप 80,000 रुपये सरकारी नौकरी में तनख्वाह पा सकते हो, वहां पर आप अपना माइंड सेट कर लेते हो किसी बैंक, बैंक में एमबीए कर करके 40, 45, 50,000 रुपये रुकने की सोच लेते हो आप लोग।
जबकि उससे कम मेहनत में और कम खर्चे में, कोई खर्चा ही नहीं है, आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, अवेयरनेस नहीं आपके पास में। कभी सेशन करूंगा उससे रिलेटेड में। फिलहाल आपको समझ में आया बच्चे कि आपका मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और आपके पास में बेसिकली मीन डेविशन क्या होता है। अब मीन डेविशन जितना छोटा होगा तो मतलब जो डिस्टेंस है मेरा मीन से एक्चुअल डेटा का, वो डिस्टेंस उतना ही कम है, और जितना कम है तो मेरा मीन कहीं ना कहीं मेरा एक्चुअल डेटा के नियरेस्ट है, एक्चुअल डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा मीन उतना ऑथेंटिक है। ये बात आपको समझ में आई। अब मैं जानना चाहता हूं यहां पर कि मेरा जो मीन डेविशन है ये मेरे मीन का कितना टाइम्स है। जैसे है ना, 5 रुपए है मेरे पास में, तो ये 20 रुपए का कितना टाइम्स है, तो डिवाइड करेंगे ना, 5 रुपए 20 का कितना है, तो बोलोगे सर 1/4 है। तो उसी तरीके से ये जो मेरा डेविशन आया, मेरे मीन का कितना पोर्शन है, कितना पार्ट है, तो मैं अपने मीन से डिवाइड करूंगा 10.6 से। क्लियर है बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविशन, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविशन। और अगर मैंने इसी को फ्रॉम मीन, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविशन फ्रॉम मीन, क्योंकि मीन से डिवाइड करा है, और अगर मैंने इसी को, यहां पर रिजल्ट क्या है 3.8 को मैंने मीडियन क्या था 10 से डिवाइड कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविशन फ्रॉम मीडियन। तो बस आप डिस्पर्जन में सबसे पहले एक टॉपिक आपका आज होने जा रहा है मीन डेविएशन, जिसका मतलब कुछ नहीं है, एवरेज और एक्चुअल डेटा के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, उसका एक बार और एवरेज निकाल लेना, बस इसी को बोलते हैं। अगर वो मीन से आप निकाल रहे हैं तो फ्रॉम मीन, मीडियन से निकाल रहे हो तो फ्रॉम मीडियन। क्लियर है बच्चे? ऑलरेडी मैं फॉर्मूला आपको दे चुका हूं। ये डी क्या है, जो आप डिस्टेंस ले रहे हैं, जो डेविएशन ले रहे हैं, डी है डिवाइडेड बाय एन, उसका एवरेज निकाल लेना है आपको। बात आज मैं सबसे पहले कर रहा हूं आपके सामने इंडिविजुअल सीरीज की। हाँ जी बच्चे, देखिए जरा, तो बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर एक-एक इंडिविजुअल लेवल पर डेटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास में आपके क्लास टीचर रजिस्टर जो मेंटेन करते थे, उसमें एक-एक बच्चे का डेटा रखते थे। इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल पर डेटा मेंटेन करना, इंडिविजुअल सीरीज। जैसे कि यहां पर आपके पास में ये 56 46 इस तरीके से हमारे पास में, तो मैं मुझे क्या निकालना है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड ऑल्सो द कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविशन अबाउट द मीडियन। तो हमें मीडियन से निकालना है, तो मीडियन से निकालना है तो सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट किसकी होगी, मीडियन की होगी। तो मीडियन कैसे आता है, आप बताएं जरा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना है तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज तो मैं यहां नहीं सिखाऊंगा, ये चीजें ऑलरेडी मैं आपको मीडियन के टॉपिक में सिखा चुका हूँ, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट यहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। पहले आप अपने इंडिविजुअल सीरीज को क्या करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या डेटा आपके पास है, 56 46 79 26, सबसे स्मॉल डेटा 26 है। 26 के बाद आपका कौन सा डेटा है, 26 के बाद आपका जो इससे जस्ट बड़ा है 29 है, और 29 से जस्ट बड़ा कौन सा आपको नजर आ रहा है, 46 39, और 39 के बाद जस्ट इससे बड़ा आपको डेटा नजर कौन सा आ रहा है, 46 46 से 56, और 56 से आपके पास बड़ा डेटा कौन सा नजर आ रहा है, 79 85 एंड 99 एंड 72, तो 72 65। ठीक है बच्चे, 65 के बाद 72 एंड 79, 72 79, और जस्ट लास्ट 85 एंड 99, 85 एंड 99। क्लियर है बच्चे, 85 99 ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। कभी मीडियन निकालेंगे तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो। और मीडियन का मतलब कुछ नहीं होता है, सीरीज को अगर बीच वाले टर्म को अगर आप पकड़ लेते हो तो वो पूरी सीरीज का एवरेज के आसपास एक नंबर होता है। तो मीडियन कुछ नहीं है, मीडियन एक मीन के नियरेस्ट एक नंबर है। तो हमें अन एवरेज देखना है, तो मीन नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसके नियरेस्ट कोई नंबर ले लीजिए आप, उसके आसपास ही, बात तो वही है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। मैं बोलूं मेरी क्लासरूम की एवरेज एज 23 ईयर्स है, तो आपके मन में आ गया कितने यंग क्लास है। मैं बोलूं कि 22 1/2 ईयर्स है एवरेज एज, तो आपके मन में क्या वो बच्चे हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे, नहीं, सेम इमेज क्रिएट होगी। तो
तो इसलिए मीन थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मीडियन से भी काम चलाया जा सकता है क्योंकि मीडियन एक मीन के नियरेस्ट कोई नंबर होता है। तो यहां पर मैं मीडियन ले रहा हूं, तो मीडियन कैसे लेते हैं भैया, बीच वाला नंबर पकड़ लो, वो मीन के नियरेस्ट होता है ऑलवेज। अब बीच वाला पकड़ना है तो यहाँ पे बीच वाला नंबर कौन सा होगा बताइए, ऐसे टटोलना पड़ रहा है, इससे अच्छा ऐसे पता लग जाएगा आपको कैसे, साइज ऑफ मीडियन, साइज ऑफ मीडियन मतलब कि बीच वाला नंबर कहां मिलेगा, तो ये एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्थ टर्म, ट्वेल्थ टर्म एन कितना है हमारे पास में यहां पर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, टेन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इलेवन बाई टू एंड फाइव पॉइंट फिफ्थ टर्म। इसका मतलब है कि हमें मीडियन कैसे निकलेगा, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म एंड डिवाइडेड बाई टू। फिफ्थ टर्म पे क्या है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच फिफ्टी सिक्स है, और सिक्स टर्म पे क्या है, सिक्सटी फाइव है एंड डिवाइडेड बाई टू। सॉल्व करेंगे आप इसको तो आपके पास में, खैर बीच का नंबर आपके पास है चार और नौ साढ़े चार लगा लीजिए, आपके पास सिक्सटी पॉइंट फाइव आएगा। देखिएगा ग्यारह छह पांच ग्यारह और एक बारह डिवाइडेड बाय टू, तो सिक्सटी पॉइंट फाइव। क्लियर है बच्चे, तो मीडियम कितना है, सिक्सटी पॉइंट फाइव। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना जो है बेसिकली एक्स एक्स माइनस मीडियन करना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, टी। क्लियर है, हाँ जी देखिए जरा, मीडियन क्या है हमारे पास में 60.5, तो 60.5 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 4.5। मॉडुलस लगाया था कि आपको पॉजिटिव लेना है, यहां पर आप माइनस करेंगे तो आपके पास में 14.5, यहां पर अगर आप माइनस करेंगे तो 60 आपके पास में है, 61 आप ले लीजिए चलिए, और आपके पास में 79, तो 9 और 9 18 18.5। क्लियर है बच्चे, इससे माइनस करेंगे 26 में, डेटा आप ऐसे लीजिए, चलिए फटाफट माइनस करते हैं, 60.5 माइनस करना है आपको, 79 माइनस 60.5 18.5, 60.5 माइनस 26 34.5। डेटा ज्यादा वेरी कर रहा है आपका, डिविशन ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, 85 में से माइनस कर देंगे आप, 85 माइनस 60.5 4.5, 39 माइनस 60.5 21.5, 65 माइनस 60.5 4.5, 99 माइनस 60.5 38.5, 29 माइनस 60.5 31.5, 72 माइनस 60.5 हाँ जी। अब क्या करना है आपको, समीशन ऑफ मॉडुलस डी निकालना है, तो क्या आएगा आपके पास में, 4.5 प्लस 14.5 प्लस 18.5 प्लस 34.5 प्लस 24.5 प्लस 21.5 प्लस
4.5 प्लस 38.5 प्लस 31.5 प्लस 11.5, तो आपके पास रिजल्ट आया 204। एंड आपके पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल रहे हो आप, तो मीन डेविएशन निकाल रहे हैं फ्रॉम मीडियन, तो कैसा आएगा, समीशन ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय उसका एवरेज ले लो, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समीशन 204 एंड नम 10, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल्स टू 20.4, एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे, तो आपके पास है मीन डेविएशन अपॉन में मीडियन, आपके पास में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, तो आपके पास है 20.4 अपॉन में मीडियन, मीडियन कितना आपका 60.5, सॉल्व करेंगे 204 डिवाइडेड बाय 605, 0.33, क्या कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, अगर फ्रॉम मीन होता तो क्या करते, बस एक काम करते कि आप मीडियन की जगह पर, मीडियन की जगह पर क्या निकाल लेते, मीन निकाल लेते, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय और मीन से डिफरेंस लेकर के फिर उस डिफरेंस का आप सम करके उसका एवरेज निकाल लेते, तो बस फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन में इतना ही फर्क है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्पर्जन में मतलब होता है डेटा का फैलाव, और वो आप उससे आपको मीन की ओरिजिनलिटी आपको चेक करने को मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्लासेस में मीन डेविएशन अबाउट द मीन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, क्योंकि अब डिस्क्रीट सीरीज का टॉपिक आ गया हमारे पास में, और नेक्स्ट क्लास उस डिस्क्रीट के बाद हम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। क्लियर है बच्चे? क्लासेस अभी रेगुलर, पूरी कोशिश रहेगी मेरी क्लासेस आपके साथ में रेगुलर हो, क्योंकि डिस्पर्जन टॉपिक को हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, ये आसान टॉपिक है, तो डिस्पर्जन टॉपिक को जल्दी से ही वाइंड अप, मैं डिस्पर्जन टॉपिक पे मैक्सिमम मैक्सिमम 5 क्लासेस ऊपर देने के मूड में नहीं हूँ, 4 से 5 क्लासेस डिस्पर्जन, और इनफ है, बहुत ज्यादा टाइम है, 4 5 क्लासेस उसका डिस्पर्जन इनफ करने के बाद मेजरमेंट ऑफ सन टेंडेंसी का जो कुछ एक दो टॉपिक है वहां पर उसको वाइंड अप करूंगा, तो 6 7 क्लासेस में 3 यूनिट कंप्लीटली 60% कोर्स आपका वाइंड अप हो जाएगा, फिर मैं टाइम सीरीज एक फोर्थ यूनिट की तरफ आपका आगे बढ़ जाऊंगा। और अगर हमने इस महीने के 20 25 तारीख तक हमने फोर्थ यूनिट भी वाइंड अप कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ एक लास्ट यूनिट का प्रेशर रहेगा, एक और 1 से 1.5 महीने का समय रहेगा, और लास्ट यूनिट बाकी 4 यूनिट के लिए रिवीजन आप कर सकते हो, 1 से 1.5 महीने पहले ही 4 यूनिट कवर हो चुका है आपका, उसका आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर लीजिए, और 5वां यूनिट मैं चला रहा हूँ आपको, तो ऐसे कोर्स का आपको इतनी ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है। हाँ उसी पैटर्न में आया, कोई इससे कुछ भी फर्क नहीं है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, 0% भी फर्क नहीं, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सिलेबस जो है वो यही है। क्लियर है बच्चे? अब मैं इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा, लेकिन जो नए बच्चे उनको एडवाइस करता हूं कि मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मीन का और मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दो टॉपिक कंप्लीट करके आप आइएगा, आपको डिस्पर्जन में कोई भी दूर दूर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके पास समय है, कल संडे है, मंडे को मुलाकात करेंगे आपके साथ में, तो आप इस को अपने आप इस समय को आप मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में कैसे होता है, लेस देन मोर देन क्या होता है, मीडियन कैसे होता है, इंडिविजुअल डिस और कंटिन्यूस, मीडियन तो बहुत जल्दी हो जाएगा कवर, लेकिन आप पहले आप मीन को समझ लीजिए, फिर आपको मीडियन समझ में आएगा। तो आप इन दो चीजों को आप कर लें, अपना मेजरमेंट ऑफ सैनिटेंसी का टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा, और उसका डिस्पर्जन में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और डिस्पर्जन समझ में भी आसानी से आएगा। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं मंडे को शाम को आपके बेस्ट टाइमिंग पे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अरे पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हो बच्चे, आप फुल स्कोर लाना है। पेपर बिल्कुल सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका।
क्योंकि सिलेबस यही मेंशन है जो चल रहा है आपका। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। और कोई क्वारी है तो पूछ लीजिए, कुछ अलग क्वारी है तो।